जी, माय नेम इज डॉक्टर अली रजा नेमती. आई एम करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट सर्विसेज, लुकिंग आफ्टर ऑपरेशंस, टैलेंट एंड ट्रेनिंग. और जो मेरा एक्सपोजर है, आई हैव हैड माय अराउंड 9 to 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर. आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोफेशनल, आई एम अ सर्टिफाइड ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स प्रोफेशनल, आई एम अ सर्टिफाइड लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल, और आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल प्रोफाइल एनालिस्ट एज वेल. आई एम ग्लैड दैट आई एम टॉकिंग टू यू विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट दैट इज वर्चुअल जॉब फेयर, जो कि एंड ऑफ जून में स्टूडेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट ने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में रिकग्नाइज किया गया है. मैं आई एम ग्रेटफुल टू द स्टूडेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आज की जो यंग ब्लड है और जो यूथ है उससे बात कर सकूँ विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग जॉब्स एंड जॉब हंट. जो बात क्योंकि प्रिसाइसली करनी पड़ेगी तो मैं आपको सिर्फ कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊँगा जो कि आप लोगों ने अपने अंदर एम्बेड करनी है बिफोर यू प्लान फॉर स्टार्टिंग योर कॉर्पोरेट लाइफ. फर्स्ट इज़ कि आप एज एन जब आप स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं तो आपसे लाइफ में कभी भी कोई ये नहीं पूछता कि आपका GPA कितना है, आपने किस सब्जेक्ट में ए ग्रेड लिया है और आपने किस सब्जेक्ट में क्या किया. यूजली आपकी जो एजुकेशन नहीं बल्कि आपकी स्किल सेट बिकती है. मैंने अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह आई स्पेंड अराउंड 10 इयर्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर और मैंने शायद 5 to 6,000 इंटरव्यूज़ किए होंगे और फ्रेश बैचेस लिए होंगे क्योंकि मेरा ज़्यादातर करियर जो है वो बैंकिंग सेक्टर में रहा है. तो उसमें हमेशा बच्चों से जब पूछा जाता है कि आप अपनी कोई स्ट्रेंथ बताएं तो वो बताते हैं कि हमारा GPA 3.97 है या हमारा GPA 3.57 है. हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और आज तक जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने किए हों मैंने आज तक किसी से उसका GPA नहीं पूछा गया. सो आप लोगों ने अगर अपनी स्किल सेट डेवलप कर लें, स्किल सेट मीन्स कि वो चीज़ जो उस जॉब के लिए ज़रूरत है. मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. अगर आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप कैरियर पोर्टल पे अभी आपको कि जो वर्चुअल जॉब फेयर है उसमें एक लिंक भी दिया जाएगा जिसमें आप डिफरेंट जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो आप लोगों की CVs उससे रिसीव करेंगे. तो अब फॉर एग्जांपल जॉब है सेल्स की और आप उसमें एक्सपर्टीज़ बता रहे हैं कि मेरी GPA इतना है, या आप एक्सपर्टीज़ ये बता रहे हैं कि मैं फुटबॉल अच्छी खेलता हूँ या स्विमिंग अच्छी करता हूँ, या आप ये एक्सपर्टीज़ बता रहे हैं कि मैं सर्फिंग ऑन द इंटरनेट बहुत अच्छी करता हूँ, या आपने वो पैराग्राफ जो कॉपी पेस्ट कर CV पे लिखा हुआ है वो आपको नहीं पता, तो दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन नंबर वन. सो आपको करना ये होगा कि जो जॉब आपकी है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसका एक होता है जॉब रिव्यू, राइट. आप उसका एक जॉब रिव्यू करें कि उस जॉब के लिए एक स्किल्स किस स्किल सेट की क्या ज़रूरत है. होता यूजली ये है कि जब हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत सब्जेक्टिव इन नेचर होता है और आपने उस सब्जेक्टिव इन नेचर जो प्रोसेस होता है थिंकिंग का उसको आपने ऑब्जेक्टिव करना होता है. मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए. सब्जेक्टिव इन नेचर से मुराद ये है कि आप कहें, मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसी नौकरी चाहिए और आप कहें कि सर हमें अच्छी नौकरी चाहिए. अच्छी नौकरी जो है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है. सब्जेक्टिव टर्म कैसे है कि अच्छी तो हर बंदे की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है. मैं आपसे पूछूं आज मौसम कैसा है, आप कहें बड़ा नॉर्मल मौसम है. नॉर्मल तो एक सब्जेक्टिव टर्म है, राइट. सो जो सब्जेक्टिविटी को आपने चेंज करके ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लाना है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इस जॉब में रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की कि आपने सेल्स करनी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सेल्फ बिलीव लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी कोई आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसके लिए आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई आपकी ऐसी जॉब है जो कोऑर्डिनेटर की जॉब है या कोई इनिशियल जॉब है, मे बी बैंकिंग की जॉब है, उसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए. सो द मेन थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन इज योर स्किल सेट रादर देन योर ग्रेड्स, नंबर वन. लेकिन यहाँ पर मेरा कतन ये मकसद नहीं है कि आपके ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आपका GPA 1.9 हो या 2.2 हो तो डेफिनेटली ये चीज़ काउंट करती है क्योंकि बहुत सी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो लिख देते हैं कि जी 3 and above, राइट. सो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि ग्रेजुएट्स को ये बताया जाए कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करें अपने एक्सपोजर में. एक्सपोजर से मुराद ये कि आप अपने आप को डिफरेंट एक्सपोजर दें. करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करें, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करें, लीड करें स्टूडेंट इनिशिएटिव्स को लीड करें, इवन कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी गाला हो रहा है उस पर लीड करें. उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है. मुझे याद पड़ता है कि अभी करंटली क्योंकि मैं एक आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, तो शायद शुरू की शायद प्रेजेंटेशंस में देता हूँगा तो मेरे हाथ भी कांपते होंगे, मेरे हाथों पे पसीना भी आता होगा. लेकिन ऐसा ऐसा वंस यू ग्रूम योर सेल्फ तो होता ही है कि फिर आपके सामने 500 या 1000 की ऑडियंस भी होती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता. इसी तरह अगर आप मुझे ये कहें कि सर हमारा तो मसला ये होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोगों को फेस नहीं कर सकते, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फेस करने के लिए आप यू नीड टू हैव मोर एक्सपोजर. अगर आप कभी तालाब में छलांग मारेंगे ही नहीं तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आपको स्विमिंग कैसे करनी है. सो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू नो, जस्ट टू कंक्लूड दिस कंप्लीट सिनेरियो, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्चुअल जॉब फेयर है जो एंड ऑफ जून में प्लान किया गया है स्टूडेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट ने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने, इट्स अ ग्रेट
platform, you know, the university will be going to give you, and you just need to take the advantage of that. एंड उसके बाद आप अपने जो फोकस करें वो स्किल सेट पे करें, अपनी CV, अपने रिज्यूमेस ऐसे बनाएं जिसपे स्किल सेट फोकस्ड हो रादर देन आपका ग्रेड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.